जलेबी छोटे बड़े सभी को पसंद आते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी। ये देखिए कितने क्रिस्पी होते हैं ये देखिए एकदम जूसी से होते हैं, इसके बिल्कुल अंदर से रस भरे हुए हैं। तो आप इस त्योहार इस तरह से इंस्टेंट जलेबी जरूर से बनाइए। तो चलिए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक भगोना, हम छोटा भगोना लेंगे जो गहराई में ज्यादा हो। उसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कटोरी भर के चीनी, और उसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी पानी। एक कटोरी चीनी के साथ मैं आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ, और गैस को जला के मीडियम फ्लेम में हम इसे मेल्ट करेंगे। धीरे धीरे हम चलाते जाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ केसर, आप चाहे तो यहाँ पे फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम मैदा ले लेते हैं। मैदा से जलेबी बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो मैं यहाँ पे दो कटोरी भर के मैदा ले रही हूँ, रेशियो आप अपने हिसाब से रखिएगा, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मैं पानी से इसको हल्के हाथों से फेटूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप फेटिए, एक साथ ज्यादा पानी डालेंगे तो मैदे में जो है गुठली पड़ जाएंगी। ये देखिए अच्छा रहेगा अगर आप हाथ से ही फेटे, हाथ से फेटने से रिजल्ट अच्छे आते हैं जलेबी के। ये देखिए इस तरह से फेटेंगे तो इसमें एयर बबल्स ज्यादा आते हैं। हमें ज्यादा नहीं फेटना है इसे, बस जब पानी डाल के मैदा घुलने तक में गुठली ना पड़े उतना ही फेटना है। तो मुझे इसे फेटने में 2 से 3 मिनट समय लगे हैं। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी तक हमें फेटना है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इससे गाढ़ा भी नहीं रखना है, इससे पतला भी नहीं रखना है। तो इसे ढक के हम साइड में रखते हैं, तब तक हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी रेडी है, बस ऐसे हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए, हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए तो चाशनी रेडी है। तो अब मैं इसको हाफ हाफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 कटोरी ली हूँ तो मैं जो बैग में भरूंगी मेरे सारे नहीं आएंगे, तो इसे मैं आधा ली हूँ और आधे में मैं आधा पैकेट इनो डाल रही हूँ। ये लेमन फ्लेवर का इनो है, आप कोई भी सा इनो या फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हैं। तो मैं आधा ले ली हूँ, मतलब 1 कप मैदे का मैं जो मेजरमेंट होता है वो मैं 1 कटोरी में लेके आधा इनो डाल के इसे थोड़ा सा फेट लूंगी। बस 1 मिनट तक आप ऐसे हल्के हाथों से फेट ले कि इनो जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो अब हम इस तरह का एक पन्नी ले लेंगे, नॉर्मल घरों में ये मिलता है, साइड से देखिए मैं ऐसे कट करती हूँ इसका। अब इसी के हेल्प से हम जलेबियां बनाएंगे। तो ग्लास में हम इस तरह से पहले रख देंगे पन्नी को, और उसमें जो हमारा मैदे का ये था ये हम इसमें ऐसे धीरे से डाल देंगे। तो एक बार में आपको जितना बनाना है आप उतना ही लीजिए, और उसमें में इनो डालिए, सारे में इनो डाल के हम नहीं रखेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बनके रेडी हो गया है, इससे बहुत अच्छे तरीके से जलेबी बनेगा। तो जलेबी बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो घी को हम हाई फ्लेम में गर्म करेंगे, तब तक हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम बहुत थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि एक बार में आप ज्यादा काट देंगे तो जलेबियां मोटी बनेंगी। तो हम पहले एक बार थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारे घी कितने गर्म है और जो हमने कट किया है वो ठीक है कि नहीं। तो घी हमारे अच्छे खासे गर्म है, हमको हाई फ्लेम में घी को रखना है बिल्कुल। ये देखिए लेकिन ये जलेबी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ी सी पतली है, तो मैं उसके जो मुंह है ना, उसके जो मैंने कोन लिया हुआ था तो उसको मैं थोड़ा सा और कट करूंगी। ये देखिए अब ये परफेक्ट निकल रहा है। जलेबी डालते वक्त आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हम ऐसे फैला फैला कर डालेंगे, आप पास पास मत डालिए, जो ऐसे रिंग रिंग में घुमा रही हूँ ना, तो हम इसे दूर दूर तक ऐसे दूर दूर तक डालेंगे, तो इससे जलेबी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आप बिल्कुल एक के ऊपर एक मत डालिए, इससे जो है जलेबियाँ खराब हो जाती हैं। तो इसे डालने के बाद आप इसे टच मत करिए, ये अपने आप ऊपर तैर के आ जाएंगे, तब हम इसे हल्के हाथों से बस ऐसे पलट देंगे। ये देखिए बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। एक बार जलेबी फ्राई करने में 2 से 3 मिनट समय लग जाते हैं।
कलर चेंज हो गए हैं, ये मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ और अभी मैं देखती हूँ आपको चाशनी में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाने के लिए आपको दोबारा डाला हूँ, ये अपने आप ऊपर आ जा रहे हैं। ये देखिए जब आप एक के ऊपर एक डालेंगे ना तो ये इस तरह से बन के तैयार होगा। इससे जो है जलेबियाँ क्रिस्पी भी नहीं होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रस आ जाता है, जो हमारी चाशनी का है ना रस बहुत ज़्यादा आता है और नीचे से ये फ्लैट हो जाता है। हमें जलेबियाँ इस तरह से बनानी है, जब आप दूर दूर तक डालेंगे तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। ये देखिए तो कोशिश करिए जब जलेबियाँ आप तेल घी में या तेल में डालें तो उसे दूर दूर डालें। तो हमारे गोल्डन हो गए हैं जलेबियाँ, तो अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी हल्की गर्म है या ठंडी चाशनी में ही आप इसे डालें, गर्म चाशनी में बिल्कुल जलेबी ना डालें। तो हम एक एक करके डाल देंगे और किसी भी स्पैचुला के हेल्प से इसे हम नीचे दबाएंगे। हल्के हाथों से दबाइए, नहीं तो ये इतनी क्रिस्पी है कि ये टूट जाएंगी। तो बस हमें कुछ ही देर से रखना है इसको, एक मिनट से भी कम समय में रखना है, ज़्यादा ना रखें इसे चाशनी में, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारी जलेबी बनके तैयार है। ये देखिए आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और अपनी एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करें। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू मेरी रेसिपी लास्ट तक देखने के लिए।